राजेश जी, आप मोकामा की बात करेंगे तो मोकामा और मोकामा का टाल क्षेत्र ये एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। तो आखिर क्या है टाल की समस्या, कितनी बड़ी है और क्या है, इस पर आप एक नजर डाल सकते हैं? देखिए, मैं बड़ा आश्चर्यचकित भी होता हूँ। सोशल मीडिया पे लोगों के बयान देखता हूँ, सुनता हूँ। टाल को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। पहली बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि टाल का जो समस्या है वो क्या सुनामी जैसा है, जिसमें केंद्र सरकार के दखल अंदाजी के बिना कुछ नहीं हो सकता। गंगा का पानी नालंदा पाइपलाइन के माध्यम से राज्य सरकार भेजी है, न कि केंद्र सरकार। तो टाल का पानी क्या गंगा में वापस लौटाया नहीं जा सकता या दूसरे जगह वितरित नहीं किया जा सकता पाइपलाइन से? तो जो योजना बिहार के सरकार को नालंदा को लेके है, राजगीर को लेके है, वैसी योजना मोकामा के टाल के लिए क्यों नहीं है? दूसरी बात है कि स्थानीय विधायक 17 साल से हैं अनंत सिंह जी। अनंत सिंह जी ने सदन में कितनी बार प्रश्न पूछा कि टाल की समस्या के लिए क्या कर रहे हैं? 17 साल से वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अनंत सिंह जी, तो उनका उनसे लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि एक विधायक के तौर पर आपने राज्य सरकार को कितनी चिट्ठी लिखी, कितने सवाल पूछे, कितना दबाव बनाया। लोग सीधे सीधे मोदी जी को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आते हैं कि टाल की समस्या के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया। टाल को लेकर बेरोजगारी है। ये सच्चाई है कि पिछले 3 साल में मात्र एक फसल मोकामा के टाल क्षेत्र के लोगों को मिला है टाल से। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि टाल वहां के जीवन का एक रीढ़ की हड्डी के समान है, वहां की नस है, वहां की बुनियाद है। तो टाल की समस्या को सुलझाने का प्राथमिक दायित्व जाता है वहां के स्थानीय विधायक पर, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है राज्य सरकार पर, और कहीं ना कहीं वहां के सांसद, जो मुंगेर के सांसद है वर्तमान में, वो कौन है? राजीव रंजन सिंह है, ललन सिंह है। उन्होंने कितने सवाल पूछ लिए? इससे पहले दोषी वो भी है जो पहले भी मुंगेर का प्रतिनिधित्व किए हैं। वर्तमान में अगर ये सवाल पूछना है तो विधायक से पूछनी चाहिए, राज्य सरकार से पूछनी चाहिए और सांसद से पूछनी चाहिए। टाल की समस्या सुलझनी चाहिए, लेकिन सुलझाने वाला सही चैनल भी होना चाहिए।